देश भर में कोरोना महामारी से अफरा तफरी मची हुई है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल कोरोना पर जमकर सियासत कर रहे हैं और मोदी सरकार को घेरने में जुटे हैं। इस बीच बीजेपी के पुराने सहयोगी और महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ सरकार चला रही शिवसेना ने विपक्ष के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। शिवसेना नेता संजय राउत अचानक बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में आ गए हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने ऐसा बयान दिया है जिससे सबसे ज्यादा परेशानी कांग्रेस को होगी। राउत ने कहा है कि मोदी जिस रास्ते पर चलेंगे हम उनके पीछे खड़े मिलेंगे। इसके साथ ही उन्होंने एक साजिश की आशंका भी जताई है। राउत ने कहा है कि देश की कोरोना परिस्थिति की जो तस्वीरें बनाई और दिखाई जा रही हैं उससे सामाजिक स्वास्थ्य और देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। भारत को बदनाम करने की ये साजिश हो सकती है। भारत की अर्थव्यवस्था को खत्म करने का ये षड्यंत्र हो सकता है। इसके खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े होना चाहिए। शिवसेना प्रवक्ता और सांसद संजय राउत के अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन जाहिर करने के बाद महाराष्ट्र के गलियारों में राजनीतिक हलचल एक बार फिर बढ़ गई है, क्योंकि पिछले दिनों ही फ्री कोरोना वैक्सीन को लेकर महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि किसी एक दल को फ्री वैक्सीन का क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। माना जा रहा है कि कांग्रेस के इस बयान से शिवसेना के अलावा एनसीपी भी नाराज है। हालांकि अभी महाराष्ट्र में शिवसेना कांग्रेस के बिना सरकार नहीं चला सकती है। ऐसे में शिवसेना का झुकाव एक बार फिर बीजेपी की तरफ बढ़ने लगा है। इससे पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराने के लिए मोदी का आभार जता चुके हैं और अब राउत मोदी के समर्थन में आ गए हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में कोरोना महामारी के बीच राज्य में सियासी परिवर्तन भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।